हेलो पीपल, आज हम लोग जा रहे हैं बाइक पार्सल करने। ये मेरे साथ है रमन जो अभी अंडा भुजी खा के एकदम पेट पूजा कर लिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं पार्सल करने, जो कि है बेंगलोर कैंट से जाएगा त्रिपुरा अगरतला। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पता नहीं, मैं कभी ऐसा भेजा नहीं हूँ, स्पेशली त्रिपुरा में। तो जाहिर सी बात, एक न्यू एक्सपीरियंस होगा। तो सोच रहे हैं कि ये मतलब ये एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं। पता दिस पता 4,000 लगेगा। ये बोल रहा है कि 4,000 रुपया मिनिमम लगेगा। तो इनके नाम है मुकेश जी, जो बहुत ही मेहनत कर रहा है मेरा टैंक के ऑयल पूरा एम्प्टी करने के लिए, ताकि जब तक पूरा 100% एम्प्टी नहीं होगा तब तक आप पार्सल नहीं कर सकते हैं। ताकि कभी कभार एक्सीडेंट वगैरह में, मतलब अगर गाड़ी में फ्लेमेबल चीज़ रहे तब दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए आग लगने का चांसेस रहता है, इसलिए पूरा एम्प्टी हो रहा है। जैसे आप लोग खुद भी सुने हैं कि उन लोग बोला है कि मिनिमम 10 से 15 दिन लगेगा जाने में बेंगलुरु कैंट टू अगरतला। मुकेश जी टायर्ड हो के अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, और ऐसे ही पाइप लगा दिया, ड्रॉप ड्रॉप करके पूरा तेल एम्प्टी हो रहा है। तो अभी देख रहे हैं कि एम्प्टी पूरा हुआ नहीं, अभी तक पूरा एम्प्टी नहीं हुआ, क्योंकि जब तक सेल्फ स्टार्ट देने के बाद स्टार्ट हो जाता है तब तक नहीं पॉसिबल है कि भेजना। तो फिर से ट्राई कर रहे हैं मुकेश जी, ऊपर से फू देंगे, नीचे का तेल का पाइप भी खोल दिया है ताकि नीचे से निकले तेल, बट फिर भी पता नहीं, तेल पूरा एम्प्टी हो चुका है। अभी मेरा रैपिंग भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, मैं बढ़िया तरीके से रैप कर दिया हूँ उन लोग के हेल्प लेके, पूरा डबल सेक वगैरह डाल के, पूरा अंदर थर्मोकोल वगैरह डाल के, सब बढ़िया तरीके से, ताकि स्क्रैच वगैरह ना आए, हेडलाइट में कुछ ना आए। लेकिन हैंडल लॉक खुला रखा हूँ कि वो रूल्स है, ताकि आसानी से उठा सके, और नंबर प्लेट भी विजिबल होना चाहिए ताकि आइडेंटिफिकेशन के तौर पे। तो अभी मेरा गाड़ी टोटली एकदम रेडी है, मतलब चढ़ने के लिए ट्रेन में। तो वही एक्सपीरियंस तो ओवरऑल अच्छा ही था मुकेश। मेरा गाड़ी आ चुका है अगरतला में, 14 दिन नहीं लगा, उससे बहुत ही पहले आ चुका है। लेकिन मतलब मैं बहुत सैड हूँ, क्योंकि बहुत कुछ घटना घट गया है इसके अंदर। मेरा तेल का पाइप पूरा तरीके से काट दिया गया, ठीक है। अभी मेरे को धक्का मार के लाना पड़ा स्टेशन से लेके शॉप तक। मैं अभी नया पाइप डालाया हूँ, ये चाबी जो है, चाबी को ज़बरदस्ती कुछ करने की कोशिश किया गया, चाबी तोड़ दिया गया, नया चाबी लगाया हूँ मैं। नीचे का वाशर ख़त्म है, सब कुछ, मतलब इधर क्या बोले, नीचे पूरा लीकेज हो रहा था। मेरा बैक का इंडिकेटर पूरा तोड़ दिया, आप लोग देख सकते हैं, पूरा मतलब क्या बोले, इतना बढ़िया से पैकिंग करने के बाद। पता नहीं बेंगलोर में ही ऐसा हुआ कि अगरतला में उतारते समय हुआ, ये हमको नहीं पता है, बट मतलब ये बहुत ही मेरे को ख़राब लगा है। मतलब इधर भी देखिए स्क्रैचेस वगैरह है, ये ओपन था, पता नहीं कैसे, ऐसा मेरा गाड़ी में नहीं था पहले। तो अब क्या बोले मैं, मतलब इतना पैसा लेने के बावजूद, इतना बढ़िया तरीके से पैकिंग करने के बावजूद ऐसा हुआ। ये पूरा मास्क जो है वो तोड़ दिया है, पूरा हाथ में आ जाता है। मैं फिर भी क्विक से थोड़ा चुपकाया हूँ, बट फिर भी मतलब ये और भी बुरी कंडीशन में था। देखिए ऊपर भी स्क्रैचेस है, क्या बोले, मतलब मैं तो मतलब क्या, बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है। पैकिंग के लिए भी उन लोग 1,200 रुपया लिया है, फिर भी अगर ऐसा फीडबैक है, मतलब फीडबैक तो बहुत ही ख़राब दूंगा मैं। इस दुख के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं जबरदस्त नेक्स्ट वीडियो।